लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र में चोरों के हैं हौसले बुलंद। जी हां, दिन दहाड़े जाइलो कार का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को चोरों ने दिया अंजाम। बता दें, फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र रैना की पुलिया से आगे ब्रह्मापुरी नई आबादी रोड की ये घटना है। और बताया गया, एक बैग जिसमें 11-12 हजार रुपए नगद और एक लाइसेंसी पिस्टल ले गए चोर। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र रैना की पुलिया नई आबादी पर पंडित जी लाल वाले के सामने जाइलो कार का दिन दहाड़े शीशा तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान कार स्वामी ने थाना पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया, जिसने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मौका मुआयना किया। बताते चले, थाना उत्तर क्षेत्र में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े भी चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया और वाक्य के अनुसार थाना दक्षिण क्षेत्र सुहाग नगर निवासी राजीव यादव उर्फ मिंटू प्रधान पुत्र हृदयराम यादव अपने रिश्तेदार थाना उत्तर क्षेत्र रैना की पुलिया से आगे ब्रह्मापुरी नई आबादी पर पंडित जी लाल वाले के सामने अपने रिश्तेदार देवेंद्र यादव मास्टर के यहाँ आए। उसी रोड पर अपनी जाइलो कार खड़ी कर दी, जहाँ उन्होंने चाय पी। यहाँ से उन्हें इटावा जाना था और जैसे ही वे कार के पास आए तो उनके अनुसार कार का शीशा टूटा हुआ था। उसमें से उनका एक बैग जिसमें करीब 11-12 हजार रुपए और एक लाइसेंसी पिस्टल गायब थी। फिलहाल थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस तरह देखा जाए तो चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। चोरों ने दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर व्यस्ततम रोड से चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे? मैं सुहाग नगर से आया था इटावा जाने के लिए। रिश्तेदार हैं देवेंद्र यादव भाषा, उनको लेके मैं इटावा जाना था। मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करके उनके घर चला गया। वो कौन सी जगह गाड़ी खड़ी करी आपने? ये नाले पे ब्रह्मपुरी रहना, यहाँ पर खड़ी की थी। मैं उनके घर गया, घर जाने के बाद उन्होंने कहा चाय पी लीजिए। चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद जब मैं लौट के आया तो मैंने आगे देखा, गाड़ी को लॉक जैसे ही खोला शीशा टूटा हुआ था। शीशा टूटा होने की वजह से तुरंत मैंने 112 को सूचित किया। वो आए हैं। गाड़ी में क्या क्या चीज़ थी आपकी? मेरी गाड़ी में एक बैग रखा हुआ था जिसमें करीब 11-12 हजार रुपये होंगे और एक पिस्टल थी लाइसेंस। लगभग कितने बजे की घटना है ये? लगभग मैं यहाँ 3 बजे के आसपास आया हूँ और यहाँ लौट के आया हूँ वापस चाय वाय पीने के बाद, लगभग 3:30 के आसपास। 3 से 3:30 बजे के बीच में ये दुर्घटना हुई है। क्या अभी तक कोई सुराग वगैरह मिला? अभी तक आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं।